श्रीमाणिक जय माणिक श्रीमाणिक जय माणिक हर माणिक हरि माणिक हर माणिक हरि माणिक सन्माणिक सन्माणिक हर माणिक हरि माणिक हर माणिक हरि माणिक चिन्माणिक सन्माणिक चिन्माणिक सन्माणिक श्रीमाणिक जय माणिक श्रीमाणिक जय माणिक हर माणिक हरि आज श्री माणिक प्रभू महाराज श्री ज्ञानराज महाराज यांनी ही यात्रा घडवून आणली
अनेक जणांना येणं शक्य नव्हतं, अशांना सुद्धा ओढून यायलाच पाहिजे या आग्रहाने आणलं आणि सगळ्यांच्या पदरामध्ये पुण्य प्राप्त करून दिलं. हा फार मोठा असा पुण्याचा संचय आहे. माय यु नो थँक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू आर गुरु प्रेझेंट गुरु ज्ञानराज माणिकप्रभू महाराज बिकॉज वॉट ही हॅज डन फॉर अस इज समथिंग दॅट वी हॅडंट इवन ड्रीम्ड ऑफ. 6 years ago he took us to Kashi, Gaya, Prayag, things which we had never dreamt of visiting, and today he has brought us here to Rameshwar. And this program is so, I mean, I cannot describe it. It is, you have to live it to believe it, because it is so nice, so nice. Everything was organized so wonderfully. This ma guru gar aitunte Sri Siddharaj Manikaprabhu yokka karyakramanni atyadbhutamga nirvinchinanduku variki vaari shishulamainanduku memu maa embadi vachina maa bhakta brundamu chaala aananda padutunnam. ఆజ సకల మత మేళా హే కాబట్టి అన్ని మతాల వారు కలిసి రావడం అనేది చాలా అదృష్టం. తర్వాత ప్రస్తుత పీఠాధిపతి అయిన శ్రీ సద్గురు జ్ఞానరాజ మాణిక్య ప్రభువులు వారి ద్వారా మేము రావడం నిజంగా మా పూర్వజన్మ సుకృతం. హ్యా సంప్రదాయాల్యా హ్యా సంస్థాంచ ప్రత్యేక కార్యకర్తేచి జీ భావన హోతీ ती प्रत्येकाला सहकार्य करण्याची भावना होती. अगदी महाराजांच्या मुलापासून ती स्वतः महाराजसुद्धा ट्रेनमध्ये येऊन प्रत्येकाला चौकशी करणं हे काही एवढे मोठे महाराज असूनसुद्धा सामान्य लोकांची चौकशी करणं ह्यालाच दीनदयाळ प्रभू भक्ताचे कारण असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि प्रभूने खरोखरच आम्हाला एक योग्य संधी दिली. न भूतो न भविष्यती असं हे नियोजन होतं. आणि ह्या इथून जाताना संपूर्ण ज्ञानगंगा हे आम्ही सोबत घेऊन जात आहोत. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರ್ಲಿಂದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಧನ್ಯ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಪಾಣಿ ನಾಷ್ಟ ಊಟ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪದ. ಈ ರಾಮೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರಾಕ
जो अनुभव है वो कुछ अद्भुत अवर्णनीय हो गया, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम जैसे हो गया। एक तो रामेश्वर या रामेश्वरम पवित्र स्थल है, दूसरा गुरु की आराधना थी, और तीसरा श्री जी का प्रवचन और भजन। महाराज स्वतः वैयक्तिकवा और ऐनप नमु का जन इष्ट सुंदर इंत व्यवस्था भाला अतुलनीय भाला ना ऋणी। जिन लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है उनका सबका अभिनंदन। और ये ज्योतिर्लिंग जो है ना, ज्योतिर्लिंग ये स्वयंभू ऐसे लिंग है, और इनका दर्शन जो है वो अत्यंत पुण्यप्रद ऐसा है। रामेश्वर का दर्शन किया, ये अत्यंत पुण्यप्रद ऐसा आपका भाग्य था कि आपको जो है इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त हुआ। तो इसलिए जिन लोगों को 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हुआ है उनके पुण्य की महति क्या बताई जाए, उनके पुण्य का मैं अभिनंदन करता हूँ। नाम का प्रताप सब ही पाप ताप हारे, पत्थर पर नाम लिख के सागर पर। आज हम लोग कहाँ गए थे? धनुषकोटि क्षेत्र में गए, और वहां से राम सेतु प्रारंभ होता है, और प्रभु का पद भी है कि पत्थर पर नाम लिख के सागर पर तारे। तो वहां पर वानर लोग जो हैं वो राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, हजारों वानर। उनका चीफ इंजीनियर कौन? तो नल, नील, जांबुवंत। जांबुवंत चीफ सुपरवाइजर, नल नील जो है चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, तो सारे लोग मिलके राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। और भगवान राम जो है वो एक टीले के ऊपर, कहते हैं गंधमादन पर्वत, उसके ऊपर बैठकर देख रहे हैं, सेना काम कर रही है। तो होता बड़े लोगों को कभी कभी लगता है, सब लोग आता आम्ही पण तिथे सगळे वाढायला लागले की आम्ही पण जाऊन थोडं वाढल्यासारखं करतो। तो वहाँ भगवान राम को लगा ये लोग बेचारे मेरे लिए सब इतना सब काम कर रहे हैं, तो मैं भी इनकी कुछ मदद करूं। इस भावना के साथ प्रभु रामचंद्र उस टीले पर से नीचे उतरे, समुद्र में जहाँ लोग पत्थर फेंक रहे थे, जय श्री राम करके लोग पत्थर फेंक रहे, कौन वानर, वहाँ पहुँचे रामचंद्र प्रभु। और जैसे ही रामचंद्र आए सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। तो रामचंद्र प्रभु ने कहा कि मैं भी पत्थर फेंकूंगा नदी में, समंदर में। बोले ठीक है। एक बड़ा पत्थर उठा के उनके हाथ में दिया गया, उन्होंने वो पत्थर फेंका। जैसे ही उन्होंने वो पत्थर फेंका, वो पत्थर गुड़ुम करके अंदर चला गया, दूसरा पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर उठा के उनके हाथ में दिया गया, वो उन्होंने फिर फेंका। जैसे ही उन्होंने समंदर में वो पत्थर फेंका, वो पत्थर भी ढुड़ुम करके अंदर चला गया, किसमें? पानी। अब जरा रामचंद्र जी को थोड़ा बुरा लगा, ये वानर पत्थर फेंक रहे हैं समंदर के अंदर, वो पत्थर तैर रहे हैं, और मैं इनका स्वामी, मैं भगवान राम, मैं पत्थर फेंक रहा हूं, और वो धुड़ुम धुड़ुम करके अंदर जा रहे हैं पानी के अंदर, तो मामला क्या है? अब किससे पूछें? ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है किससे पूछेंगे? जो बुद्धिमान है उससे पूछना चाहिए, है ना? सबसे नहीं पूछ सकते। प्रॉब्लम अगर आ जाए तो किससे पूछेंगे? तो बुद्धिमान जो है उसको बुलाया जाए। बुद्धिमान कौन? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में जो अत्यंत श्रेष्ठ है, सारे बुद्धिमानों में जो बुद्धिमान है सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे वानर राज हनुमान को जो है बुलाया गया, हनुमान को बुलाया गया। रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान ये सब लोग, तुम लोग पत्थर फेंक रहे हो, वो पत्थर जो है पानी पे तैर रहे हैं, मैं जो पत्थर फेंक रहा हूँ वो पानी के अंदर डूब रहा है, क्या बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? किसने पूछा? रामचंद्र जी ने पूछा। हनुमान ने कहा, प्रभु इसके दो कारण, इसके दो कारण। एक क्या? जो आपके हाथ से छूटा वो डूबा, जो आपके हाथ से छूट गया वो डूबा। दूसरा क्या? हनुमान ने पूछा, पत्थर फेंकते समय जय श्री राम बोला था क्या? पूछा उन्होंने।
आपने बोला था क्या जय श्री राम? बोले मैंने नहीं बोला, मैं कैसे बोलूंगा जय श्री राम? बोले इसलिए नहीं थे, इसलिए वो डूबा। एक तो आपने जय श्री राम नहीं बोला, दूसरा क्या, जो आपके हाथ से छूटा वो डूबा, दो कारण। भगवान मुस्कुराए, फिर अपनी जगह पे जाके बैठे। अमूल्य असं ज्ञानामृत प्रवचनाच्या माध्यमातून आम्हा सर्व परिवाराला ऐकण्यास मिळालं। याच्या आधी श्री काशी विश्वनाथ आणि आता श्री रामेश्वर अशा वयाच्या 30व्या वर्षीच ह्या दोन्हीही यात्रा पूर्ण झाल्या, त्याचा एक विलक्षण अभिमान। ನಾವು ರಾಮೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕನಗರಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಯಾವ ಥರದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭೂತೋ ಭವಿಷ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತೋ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪಾನೆಗೆ ತೀನ್ ಮಾರ್ಗ ಬತಾಯೇ ಗಯೇ ಹೇ, ಜೊ ದೇಶಾಟನ್ ಯಾ ತೀರ್ಥಾಟನ್ ಹಮ್ ಕಹಿ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಪಂಡಿತ್ ಮೈತ್ರಿ ಯಾ ವಿದ್ವಾನೋ ಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಔರ್ ಗುರು ಕಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, इसी एक ही यात्रा में हम इन तीनों चीज़ों को पा सकते हैं और हमने तीनों चीज़ों को पाया है। टीम मैनेजमेंट है सगळ्यांची, माणिक नगर ची आणि इतर लोकांची ही अप्रतिम है, हा एक फार मोटा चांगला आमच्या दृष्टीने अनुभव है। इल्लिन भाषेयन्नु यारिगू बरलारंत भाषेयन्नु इद्दरू सह इल्लि यावुदे तरहद अडि अडचणे इरलारदे प्रति ओंदोंदु चाचु तप्पदे एल्ल भक्तादिगळन्नु ओंदु मुंजाने चा हिडिकोंडु ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟವರೆಗೆ ಮಲಗವರೆಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುವವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹೆ ಸತ್ಸಂಗಾಚ ಇತ್ಕ ಮನವರ ಪರಿಣಾಮ ಝಾಲೆಲ ಆಹೆ ಆಮಚ್ಯಾ ಮನವರ ಖೂಪ ಸಗಳೆ ಲೋಕ ಮಿಸಳೂನ್ ರಾಹೋ ಸಗಳೆ ಕರಾವ ಹೆ ಏಕ ಮನಾತ ಭಾವನಾ ಆಲೆಲಿ ಆಹೆ ಆನ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಮಾಜ್ಯಾ ಸೋಬತ್ 9 ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಲೇಕರು ಆಹೆ ते अत्यंत सुखद असा प्रवास झालेला आहे आमचा आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला किंचितही कुठलाही त्रास न होता, प्रभु कृपेने आणि प्रभूच्या आशीर्वादाने आम्हाला एकदम फुलावर आणल्यासारखा प्रवास झालेला आहे। माझा धाम राहिलेला होता तर याच्यामध्ये असा दुग्ध सरकारा योग आला की माझं धाम तर झालंच झालं पण हे ज्ञानार्जन मला भेटलं महाराजांचं। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला इथली आवडलेली इथलं उत्तम मॅनेजमेंट व्यवस्थापन आणि त्यातल्या त्यात गुरु महाराज स्वतः न खाता पिता सगळ्या पंक्तीमध्ये एक चक्कर मारून कोण खाल्लं आणि कोणी नाही जेवलं हे विशेष करून सांगतो। आणि 105 दिवसात मी 3100 किलोमीटर चाललो, आज मला असं वाटतं की नर्मदा मातेने या आशीर्वादाच्या रूपाने या यात्रेच्या रूपाने महाराजांच्या थ्रू मला माझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली। एकंदरीतच हा दौरा इतका उत्कृष्ट झाला की रामेश्वरम तीर्थी आल्याचा नुसतं आम्ही रामेश्वरमच्या दर्शनाला आलो असतो तर निश्चितच एवढं समाधान आम्हाला मिळालं नसतं, तेवढं समाधान आम्हाला श्रीजींच्या बरोबर येऊन राहिलं। Hey, boo!
समय शिव नाचत प्यारा शाम भव गण शिव हर ललकार।